हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप में सिर्फ एक क्लिक में A4 शीट पर 36 फ़ोटो हम कैसे सेट करें। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सिर्फ हमें एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी उसके बाद हम कोई भी एक की प्रेस करेंगे, जो भी हम अभी फ़ोटोशॉप में आपको बताएंगे, कोई भी एक की सेट हम करेंगे तो पूरे 36 फ़ोटो हमारे A4 शीट पर अरेंज हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको सीधा फ़ोटोशॉप में ले चलता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये हमारा फ़ोटोशॉप है, तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि हम एक क्लिक में अपनी 36 फ़ोटो कैसे अरेंज करें। जैसे कि मैं अभी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल के लिए ये फ़ोटो है, ये मैंने ओपन की। अब इसको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक क्लिक में हम पूरी शीट पर A4 साइज़ की शीट पर 36 फ़ोटो को अरेंज कर पाएँ। उसको अरेंज करने के लिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमें एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है, कोई भी टफ नहीं है। जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, आप वैसा करते जाइए तो आप इजीली एक्शन बनाना भी सीख जाएंगे। सिर्फ एक बार ही हमें एक्शन बनाना है, उसके बाद हम एक कोई भी क्री जो हम सेलेक्ट करेंगे एक्शन बनाते समय, उसको प्रेस करेंगे तो हम अपने शीट पर 36 फ़ोटो को अरेंज कर पाएंगे। जैसे कि ये फ़ोटो है, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। ये फ़ोटो मैंने ओपन कर लिया है। अभी एक्शन बनाने के लिए सिंपली हमें यहाँ एक्शन का टूल दिख रहा है। अगर जैसे कि ये एक्शन का टूल आपके फ़ोटोशॉप में नहीं आता है, जैसे मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, तो सिंपली आप विंडो की में जाएंगे, विंडो मेन्यू बार में, और यहाँ आप देख पा रहे हो एक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको एक्शन बनाने के लिए पहले एक नई फाइल लेनी पड़ेगी, जो यहाँ क्रिएट न्यू एक्शन आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू एक्शन के लिए फाइल ओपन हो जाएगी। इसको हमें जो भी नाम देना है वो हम इसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देता हूँ 36 फ़ोटो, और उसके बाद हमें जो भी की प्रेस करना चाहते हैं हम फ़ोटो बनाने के लिए, उस पर क्लिक रखेंगे। जैसे कि मैं अभी F7 सेलेक्ट कर रहा हूँ, F7 ओनली, सिर्फ F7 ही रखूँगा, इन दोनों पर चेक नहीं करना। तो सिर्फ आप F7 प्रेस करोगे, आपके फ़ोटो बन जाएंगे। उसको कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ना भी दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद हमें रिकॉर्ड पे सिंपली क्लिक कर देना है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसे ही आप फ़ोटो को अपने हिसाब से क्रॉप करोगे, जैसे कि मैं अभी फ़ोटो को इतना क्रॉप कर लेता हूँ अपने हिसाब से सेट करके, इतना मैंने फ़ोटो को क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद हमें इसको यहाँ से बैकग्राउंड लेयर से सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करें और ओके कर दें। डबल क्लिक करने के बाद आप Alt+ES प्रेस करोगे तो ये स्ट्रोक ओपन हो जाएगा। स्ट्रोक इसको बोलते हैं, जो हमारे चारों ओर बॉर्डर लगता है फ़ोटो के, उसको बॉर्डर हम सिंपली इनसाइड या सेंटर आउटसाइड कुछ भी दे सकते हैं। मैं सेंटर रखूँगा अभी, और सिंपली हम 3 पिक्सल का बॉर्डर देंगे तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हो फ़ोटो के चारों ओर एक ब्लैक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि फ़ोटो को थोड़ा हमें लाइट करना है, तो Ctrl+M प्रेस करोगे, उसके बाद आप इसको हल्का सा लाइट कर सकते हो। यहाँ से आपको जितना लाइट करना है या डार्क करना है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। मैं अपने केस में फ़ोटो को थोड़ा लाइट करूँगा। लाइट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं इस फ़ोटो को साइज़ दूंगा। साइज़ मैनुअली अगर आप जाना चाहें तो यहाँ इमेज साइज़ पर क्लिक करके भी यहाँ से साइज़ दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको शॉर्टकट की बताऊं तो अल्ट प्रेस करके दो बार आई बटन को प्रेस करना है, तो ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। अभी हम इंचेस में डायमेंशन को इसमें फिट करेंगे, तो 1.25 मैं दूंगा और 1.5 मैं यहाँ रखूँगा, और DPI अपनी जो भी है रेजोल्यूशन 300 रखूँगा। उसके बाद ये फ़ोटो हमारी सेट हो जाती है। सेट होने के बाद मैं इसको क्रॉप करके थोड़ा इसमें स्पेस क्रिएट करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा सा रख लिया है। स्पेस क्रिएट करने के बाद मैं अपनी इस फ़ोटो को डुप्लीकेट करूँगा, तो एक रो में हमारी 6 फ़ोटो आ जाती हैं A4 शीट पे। तो अभी मैं इसको डुप्लीकेट करने के लिए अल्ट की प्रेस करूँगा और अपने को इस फ़ोटो को डुप्लीकेट कर लूँगा। एक बार हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट करने के बाद हमें Ctrl+E बटन प्रेस करना है, जिससे कि ये दोनों फ़ोटो मर्ज हो जाएंगे। तो जब भी हम अल्ट किसी फ़ोटो को डुप्लीकेट करेंगे तो ये दोनों फ़ोटो पिकअप होके हमारे यहाँ आ जाएंगे, जिससे टाइम थोड़ा बचता है और काम जल्दी हो जाता है। तो ये हम ऐसे करके 6 फ़ोटो क्रिएट कर लेंगे, और जो बचा हुआ स्पेस है उसको हटा के नीचे की तरफ
स्पेस बना लेंगे, जितना हमारा A4 शीट होता है उतना स्पेस इसमें क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट ई दबा देना, जिससे कि जो ओवरऑल जितने भी फ़ोटो हैं हमारी शीट पे ये पूरे मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद आप मूव टूल से सिलेक्ट करके अल्ट की प्रेस करके इनको नीचे की ओर ड्रैग करोगे तो ये पूरी की पूरी रो 6 फ़ोटो की नीचे कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद आप इस रो को सिलेक्ट करके रखना और कंट्रोल ई बटन प्रेस करोगे तो ऊपर की लेयर भी सिंपली इससे मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आप वही सेम अल्ट की प्रेस करके इसको नीचे की ओर कॉपी कर लेना। तो हमारी ये 24 फ़ोटो हो चुके हैं। एक बार और हम करेंगे तो ये हमारे 36 फ़ोटो हो जाते हैं। 36 फ़ोटो हमारे A4 शीट पे आ जाते हैं इजीली। अगर आप एक रो और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, हो जाएगी, हल्का सा थोड़ा सा छोटो फ़ोटो छोटा हो जाएगा। हम अपने केस में नहीं करेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्रॉप टूल से क्रॉप कर देंगे। फाइनली ये हमारे फ़ोटो हैं बनके तैयार हो गए। फ़ोटो बनके तैयार होने के बाद हम चाहे तो इसको सिंपली कंट्रोल पी की कमांड से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप जैसे भी करना चाहें, सेंटर पेज ऑप्शन हटा के आप टॉप से 0 का मार्जिन दीजिए, जिससे कि यहाँ बिल्कुल टॉप से हमारा शीट प्रिंट होके आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो A4 शीट इतना बड़ा होता है। अगर आप इसमें एक लेयर एक रो और अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अपने केस में नहीं करूँगा तो मैं इसको रहने देता हूँ। प्रिंट करने के लिए सिंपली आप अपने कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास एप्सन का L3100 प्रिंटर है, तो सिंपली मैं इसको जो भी सेटिंग्स हैं हमारी फ़ोटो निकालने के लिए या नॉर्मली करेंगे, हम यहाँ पर फ़ोटो पेपर ग्लॉसी करते हैं और सिंपली इसको हाई करके देते हैं, तो सिंपली हम इसको ओके करके प्रिंट दे सकते हैं। तो ये हमारा एक्शन में भी प्रिंट हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से एक्शन को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इस फाइल को कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इस फाइल को ओपन करके कि कैसे हम इसको दोबारा एक क्लिक में पूरी शीट में कन्वर्ट करें। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो यहाँ ओपन कर लिया है और हमने F7 की से हमारा एक्शन बनाया था, तो मैं सिंपली F7 की प्रेस करूँगा तो आप देखोगे हमारी पूरी शीट क्रिएट हो जाएगी और ऑटोमेटिक प्रिंट भी वहाँ प्रिंटर पर चला गया है। आप अपना शीट लगा दीजिए तो ऑटोमेटिक प्रिंट भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ शीट ही अकेली क्रिएट करनी है, प्रिंट नहीं देना, तो आप यहाँ से इस प्रिंट वाले सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रिंट का सेक्शन है जहाँ से हमने उठाया, इसको ड्रैग करके डिलीट वाले बॉक्स पे आके छोड़ दिया, तो ये हमारा पार्ट है जो डिलीट हो चुका है। अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये हमने दोबारा फ़ोटो को ओपन किया और F7 की प्रेस की, तो सिंपली हमारे फिर फ़ोटो ही पूरी सेट होंगे शीट पर, प्रिंट नहीं जाएगा। तो ये है आज की वीडियो। अगर आपको दोस्तों इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही रिप्लाई करूँगा। और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ ना आया हो, सिंपली आपको मैंने जो जो स्टेप बताए हैं आप वो फॉलो करोगे तो इजीली आप एक्शन बनाना सीख जाओगे और आप भी सिर्फ एक की दबा के अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट कर पाओगे, जिससे कि बहुत सारा टाइम सेव होता है। जैसे कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ। मैंने ज़्यादातर मेरे पास 6 फ़ोटो के कस्टमर आते हैं कि मुझे 6 ही फ़ोटो चाहिए, तो ये फ़ोटो ले लिया मैंने तो मैंने एक एक्शन और बना के रखा है, तो जो मैं आपको दिखाता हूँ वो मैंने F2 की से बनाया है, जिससे सिर्फ 6 ही फ़ोटो क्रिएट होते हैं। मैं F2 दबाता हूँ, देखिए ये सिर्फ 6 ही फ़ोटो इसमें आए हैं। 6 फ़ोटो आने के बाद मैं इसको सेंटर में से क्लिक करके 0 मार्जिन दूंगा तो टॉप पर एक शीट लगाऊंगा, प्रिंट दे दूंगा तो ये प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे। तो ये है। बाकी दोस्तों आपको अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जल्द ही रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।